नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, जितेंद्र, श्रीदेवी की। बात एक ऐसी फिल्म की जो बहुत कम बजट में बनी, लेकिन इस फिल्म ने कमाई में अच्छी अच्छी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। ये कहानी है राजेश खन्ना, जितेंद्र और श्रीदेवी अभिनीत फिल्म मास्टर जी की। मास्टर जी एक ऐसी फिल्म जो बहुत कम बजट में बनी थी राजेश खन्ना के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से, और इस फिल्म में जो सितारे थे उन सितारों की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तकरीबन 7 करोड़ का बजट और 115 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जो इस फिल्म ने इतनी ज़बरदस्त कमाई कर ली और इसका बजट इतना कम था। दरअसल ये वो दौर था जब राजेश खन्ना के जो सितारे थे वो गर्दिश में कहे जा रहे थे। राजेश खन्ना का वो गोल्डन पीरियड नहीं चल रहा था जिसमें उनकी बैक टू बैक हर फिल्म सुपर डुपर हिट होती थी। ये वो दौर था जिसमें राजेश खन्ना थोक के भाव फिल्में साइन कर रहे थे और थोक के भाव फिल्में कर रहे थे और वो फिल्में थोक के भाव फ्लॉप हो रही थी। लेकिन इन्हीं फिल्मों की फेहरिस्त में एक फिल्म आई मास्टर जी। 80 के दशक में आई फिल्म मास्टर जी में श्रीदेवी और राजेश खन्ना लीड रोल में नजर आए। इस फिल्म के बनने से पहले इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं को ये शक था कि जब ये फिल्म बनेगी तो श्रीदेवी के अपोजिट उन्हें ही कास्ट किया जाएगा। इसमें जितेंद्र, कमल हासन जैसे सितारे भी थे, लेकिन फिल्म गई राजेश खन्ना की झोली में और जितेंद्र एक तरीके से हाथ मलते रह गए, क्योंकि उस दौर में इन दोनों की जोड़ी काफ़ी हिट हुआ करती थी तो उन्हें लगा कि ऑफर उन्हें ही मिलेगा। वैसे इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। फिल्म के प्रोड्यूसर आरसी शर्मा पहले इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे। वो उनके पास इस फिल्म की कहानी सुनाने भी पहुंचे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो राजेश खन्ना के पास ये फिल्म लेकर आए, इस फिल्म का ऑफर लेकर आए। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना का नाम खुद अमिताभ बच्चन ने ही दिया था। राजपूत, डिस्को डांसर, सौतन, अवतार, अगर तुम ना होते जैसी फिल्मों से अपनी सेकंड इनिंग चमका रहे राजेश खन्ना को उन दिनों खूब हिट पे हिट दे रहे थे। लेकिन फिल्म मास्टर जी का किरदार ऐसा था कि एक बार इसकी कहानी सुनकर राजेश खन्ना भी इस फिल्म के लिए ना नहीं कह पाए। उस दौर में हिम्मत वाला से लेकर बलिदान तक हिंदी सिनेमा में जितेंद्र के चर्चे थे। उन्हें जब पता चला कि भाग्यराज एक सुपर डुपर हिट फिल्म का रीमेक हिंदी में श्रीदेवी के साथ ला रहे हैं तो उन्हें ये पता था कि बतौर हीरो फिल्म में वही नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और जितेंद्र हाथ मलते रह गए। जितेंद्र के अलावा एक और ऐसा एक्टर था जो इस फिल्म में तगड़ी दिलचस्पी रख रहा था और वो हैं अनिल कपूर। लेकिन मेकर्स को किरदार की डिमांड के हिसाब से अनिल कपूर जैसे कलाकार की उम्र काफ़ी कम लगी। इस फिल्म में कमल हासन का भी काफ़ी चर्चा में नाम रहा और वो भी ये फिल्म करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और फिल्म एक तरीके से सीधे सीधे राजेश खन्ना की झोली में गई, राजेश खन्ना के खाते में गई। ये फिल्म कमल हसन को भी नहीं मिली तमाम प्रयासों के बाद। और ये फिल्म जितने कम बजट में बनी उतना ही इस फिल्म ने बम्पर कमाई करके कामयाबी के एक तरीके से झंडे गाड़ दिए और इसका श्रेय अब हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से राजेश खन्ना और श्रीदेवी की जोड़ी को गया। क्योंकि फिल्म मास्टर जी को पहले भाग्यराज ही निर्देशित करने वाले थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो निर्देशन की कमान श्रीदेवी की पहली सुपरहिट हिंदी फिल्म हिम्मत वाला के डायरेक्टर राघवेंद्र राव ने संभाली, जिनका पूरा नाम कोवेला मुदी राघवेंद्र राव था। और राघवेंद्र राव की साल 1985 में बनी राजेश खन्ना श्रीदेवी और कादर खान स्टारर ये फिल्म उस वक्त 7 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और इस 7 करोड़ की इस फिल्म ने 115 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। फिल्म से मेकर्स मालामाल हो गए। आपको बता दें कि मास्टर जी की कहानी एक ऐसे अध्यापक की है जो गांव में अपने छोटे से बच्चे को लेकर नौकरी करने आता है। पढ़ाना और बच्चे को पालना दोनों काम वो एक साथ करता है। फिल्म की कहानी को काफ़ी पसंद किया गया। फिल्म में नज़र आने वाले जो सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई।
खासकर जो ग्रामीण अंचल है, हमारा जो ग्रामीण भारत है, उसने इस फिल्म को खुद से करेक्ट किया और राजेश खन्ना ने ये साबित कर दिया कि सुपरस्टार हमेशा सुपरस्टार होता है। क्योंकि इस फिल्म के लिए कई लोग कतार में थे, जितेंद्र, कमल हासन, अनिल कपूर, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए राजेश खन्ना ने बाजी मार ली। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।